आज हम नींबू चाय के लिए मसाला बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, चलिए फिर बनाते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है जीरा। जीरा हम थोड़ा सा बढ़ाकर लेंगे 2 चम्मच। हम यहाँ पर थोड़ा ही मसाला बनाएंगे, लेकिन आप इसे बनाकर रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। यहाँ पर हमने ले लिया है काले मिर्च। मसाला हम यहाँ पे ज़्यादा भूनते नहीं हैं, बस थोड़ा सा ही हम भून लेते हैं, हल्का सा ही। और यहाँ पर हम डालेंगे अजवाइन, थोड़ा थोड़ा भूनते चलेंगे बीच बीच में। और फिर यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा जायफल भी। जायफल हम थोड़ा ही लेंगे क्योंकि हमारे मसाले कम हैं। सारे मसाले बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कुछ भी ओवर पावर ना हो। यहाँ पर हमने ले लिया है थोड़ा सा जावित्री और इनको हल्का सा भूनकर हम इसे साइड कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और भी मसाले ऐड होंगे, तब तक हम चाय बना लेते हैं। हम 4 कप पानी लेंगे यहाँ पर और चीनी थोड़ा सा बढ़ाकर यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा चाय पत्ती। अगर हम बात करें नींबू चाय की, तो नींबू चाय में हम थोड़ा ही चाय पत्ती डालते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वा आने लगेगा अगर आपने ज़्यादा चाय पत्ती यूज़ कर लिया तो। और यहाँ पर चीनी हमने डाली है 5 चम्मच अपने 4 कप के हिसाब से, तो इसे आप थोड़ा सा अपने चम्मच से मेज़र कर लीजिएगा। और अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए हम पानी को पकाएंगे। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं तुलसी पत्ती। तुलसी पत्ती की अगर बात की जाए तो हमने यहाँ पर हरी यूज़ की है, लेकिन आप इसे ड्राइड फॉर्म में भी अपने पाउडर में ऐड करके रख सकते हैं। फिलहाल हमारे पास गमले पे है तो हम ताज़ा ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत है तो ज़रूर से सुखाकर इसे आप यूज़ करिए अपने पाउडर में। रोज़ रोज़ आपको तुलसी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। और इनको पक जाने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और ये पक चुका है तो अब यहीं पर इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं। और अब बाकी का जो हमारा मसाला है उसे भी हम साथ साथ यहाँ पर आगे काम बढ़ाते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं। अभी मसाला हमारा ठंडा हो चुका है तो इसे हम यहाँ पर ग्राइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डालेंगे नमक, नॉर्मल नमक है, सेंधा नमक। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला और थोड़ा सा सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर भी बैलेंस में ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और अगर आप अदरक डालते हैं तो सौंठ पाउडर को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ये पाउडर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाले का, तो इसे आप रख कर कई दिनों तक, इवन महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए हम आपके लिए चाय सर्व करते हैं। यहाँ पर हल्का सा चीनी भी डाल दीजिएगा। चीनी हम दिखाना आपको भूल गए, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा नींबू को ले लेते हैं। आप चाहें तो इसे भगोने में भी डायरेक्टली डाल सकते हैं, नींबू को भी, मसाले को भी। लेकिन यहाँ पर जब आप सामने सर्व करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है मेहमानों को भी, और एक थोड़ा सा नया अंदाज हो जाता है। तो ये देखिए, ये सारे मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। और इसे आप एक बार बनाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।